हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज टॉपिक एमेनोरिया। आतिफ अफजल, दिस इज स्पेशली फॉर यू। आपके रिक्वेस्ट पे मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है। आई एम वेरी सॉरी फॉर पोस्टिंग दिस सो लेट बिकॉज ऑफ रमजान। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे, इट इज़ सिम्टम ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमेनोरिया। सो एवरी वुमेन शी मेंस्ट्रुएट्स एवरी 28 to 30 days नॉर्मली, लेकिन अगर काफ़ी दिनों तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है तो इस कंडीशन को एमेनोरिया बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, एमेनोरिया इज नॉर्मल बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन एंड आफ्टर मेनोपॉज। और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन टू अकर, देर आर सर्टन प्री रिक्विजिट्स, जैसे कि वुमेन शुड हैव ए नॉर्मल फीमेल एनाटॉमी एंड शी शुड हैव प्रॉपर फंक्शनिंग हाइपोथैलमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। मैंने एक वीडियो मेंस्ट्रुएशन के ऊपर भी बनाया है। सो इस टॉपिक में थोड़ा आगे जाने से पहले हमें एक बार रिविजन करना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन का फिजियोलॉजी क्या है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख लें। सो यहाँ पे मैं ब्रीफ में एक बार और डिस्कस करूँगी फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन कि जब हाइपोथैलमस GnRH दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है तो एंटीजियो पिट्यूटरी FSH और LH रिलीज करता है। बिकॉज ऑफ FSH हमारे ओवरी के अंदर में एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो मेच्योर होना शुरू करता है और ये जो मेच्योरिंग फॉलिकल है ये इस्ट्रोजन रिलीज करता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इस्ट्रोजन, यू कैन सी यहाँ पे इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। सो ये जो इस्ट्रोजन की वजह से हमारा एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रो होने लगता है अराउंड 14th डे और या मिड ऑफ आवर साइकिल ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस। ओव्यूलेशन होने के बाद में जो एम्प्टी फॉलिकल बचता है दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम एंड दैट स्टार्ट सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी बढ़ रहा है और ये प्रोजेस्ट्रॉन हमारे एंडोमेट्रियम को और भी थिक और सिक्रेटरी बनाता है इन प्रिपरेशन टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है जिसकी वजह से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होने लगता है ब्लड में और हमारा एंडोमेट्रियम शेड होने लगता है एंड दैट इज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। ओके, सो दिस वाज इन ब्रीफ अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एमेनोरिया। पहले मैंने इसे दो टाइप में डिवाइड किया है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि बिफोर मेनार्की, आफ्टर मेनोपॉज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये इस टाइम पर वुमेन को मेंस्ट्रुएशन नहीं आता एंड दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी, दिस इज नॉर्मल। बट देर आर सम पैथोलॉजिकल कॉजेज, पैथोलॉजिकल टाइप ऑल्सो। पैथोलॉजिकल में फिर से देर आर टू टाइप्स, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया में व्हेन अ गर्ल हैज अटेंड मेनार्की, गर्ल हैज नॉट अटेंड मेनार्की टिल द एज ऑफ 18 years, मतलब 18 years हो गया फिर भी एक भी बार मेंस्ट्रुएशन नहीं आया। यू नो दैट मेनार्की का मतलब होता है अपियरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम। सो तो उसे हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। और सेकेंडरी एमेनोरिया इज सीजेशन ऑफ मेंसेस फॉर 3 months और मोर आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि द गर्ल हैज़ अटेंड मेनार्की एंड शी हैज़ मेंस्ट्रुएटेड फॉर नॉर्मली फॉर मे बी ईयर्स टुगेदर और मे बी फ्यू मंथ्स एंड देन आफ्टर दैट द मेंस्ट्रुएशन हैज स्टॉप्ड। नाउ लेट सी द एटियोलॉजी ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो इसमें सबसे पहला कॉज है एंडोक्राइनल। अभी हमने जैसे कि फिजियोलॉजी देखा और उसमें हमने देखा कि हर लेवल पे फ्रॉम हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवेरियन ग्लैंड सम ऑफ द हार्मोन्स आर रिलीजिंग साइक्लिकल मैनर में, वो रिलीज हो रहा है और उसके वजह से मेंस्ट्रुएशन आ रहा है। तो अगर इनमें कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो सकता है। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिया है वो हाइपोथैलमिक कॉज लिया है, उसके अंडर में आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी कैन डिस्टर्ब आवर हार्मोनल बैलेंस, देन एनवायरमेंटल चेंज, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड हेड इंजरी, मेनिनजाइटिस। देन नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम है तो एमेनोरिया हो सकता है, एज इन केस ऑफ एडिनोमा, एक्रोमिगैली, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। देन ओवेरियन डिसफंक्शन, ओवेरियन डिसफंक्शन में PCOD जो कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, उसे स्टीन लिवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं। दिस इज ए कंडीशन व्हेन ओवरी इज फिल्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ अनरप्चर्ड फॉलिकल्स, मीन्स यहाँ पे ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है। ओवम प्राइमरी फॉलिकल
मैच्योर होता है और बड़ा फॉलिकल बनता रहता है, बट वो रप्चर होता नहीं है और ओवुलेशन होता नहीं है इन दिस कंडीशन एंड एमेनोरिया में अकर. देन टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, दिस इज अ कंडीशन जिसमें कि जो पर्सन है द पेशेंट इज हैविंग एक्सटर्नल जेनिटालिया एज फीमेल, बट वेन यू एग्जामिन यू फाइंड दैट उसके बॉडी में यूट्रस एबसेंट है और उसका जो गोनाड्स है वो टेस्टिस है इंस्टेड ऑफ ओवरी. सो इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो मेंस्ट्रुएशन. देन ओवेरियन ट्यूमर, ये कंडीशन है जिसमें जिसकी वजह से भी वुमेन में गेट एमेनोरिया. देन थायरॉयड ग्लैंड के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म. देन एड्रीनल ट्यूमर्स, पैंक्रियास में भी अगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ एमेनोरिया. देन आफ्टर एंडोक्राइनल, सेकेंड कॉज इज न्यूट्रिशन, ग्रॉस अंडर न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड और ओबेसिटी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा वेट या बहुत अंडर वेट रहने की वजह से भी एमेनोरिया हो सकता है. देन ड्रग्स, इफ द वुमेन इज ऑन सर्टेन ड्रग्स दैट कैन ऑल्सो स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, जैसे कि डिपो-प्रोवेरा विच मे बी गिवन इन केस ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, देन टेस्टोस्टेरोन, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, दिस कैन ऑल्सो कॉज एमेनोरिया. देन डिसीजेस, सम ऑफ द डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, सीवियर एनीमिया और अदर सीरियस इलनेसेस, दिस कैन ऑल्सो कॉज एमेनोरिया. फिर क्रोमोसोमल एनोमलीज भी है कुछ जिनमें एमेनोरिया हो सकता है, जैसे कि एक है टर्नर सिंड्रोम. ऑल ऑफ अस नो दैट एवरी फीमेल हैज 46 XX क्रोमोसोम्स, बट यहाँ पे जो है द गर्ल इज हैविंग 1X क्रोमोसोम मिसिंग. सो इनका एक क्रोमोसोम कम है तो 45X0 ये उनका क्रोमोसोमल मेकअप रहता है. और इसमें द गर्ल इज हैविंग स्ट्रीक गोनाड, एबसेंट ब्रेस्ट, इन्फेंटाइल यूट्रस एंड शी इज हैविंग प्राइमरी एमेनोरिया. द नेक्स्ट कॉज कैन बी यूट्रोवजाइनल एट्रीसिया, इसमें या तो यूट्रस या वजाइना दोनों एबसेंट रह सकता है या फिर मालफॉर्म रह सकता है. एज इन केस ऑफ इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि क्रिप्टोमेनोरिया. क्रिप्टोमेनोरिया इज ए कंडीशन जहाँ पे हाइमन में ओपनिंग नहीं रहता है, दैट इज इम्परफोरेट हाइमन. यू नो दैट एवरी गर्ल हैज हाइमन जिसमें छोटा सा ओपनिंग पहले से रहता है, तो जब वो प्यूबर्टी में वो जब उसे मिनार्की आता है तो उस ओपनिंग से मेंस्ट्रुएशन बाहर आता है. बट इन सम वुमेन, सम गर्ल्स, दिस ओपनिंग में नॉट बी प्रेजेंट और ये कम्प्लीटली क्लोज रहता है. तो इन दिस केस वॉट हैपन्स, द गर्ल इज गेटिंग मेंस्ट्रुएशन बट इट इज़ गेटिंग कलेक्टेड इन साइड ओनली, इट इज़ नॉट कमिंग आउट. तो उसे इसलिए उसे क्रिप्टोमेनोरिया बोलते हैं. क्रिप्टो मीन्स इट इज हिडन, हिडन मेनोरिया टेकिंग प्लेस. ओके, देन सेकेंड कंडीशन इज रॉकी टैंस की कस्टर हॉसर सिंड्रोम. ये जो कंडीशन है, आई हैव ब्रॉट अ पिक्चर अबाउट इट, यू कैन सी दिस इज अ कंडीशन जहाँ पे मैंने जैसा कि यहाँ लिखा है कि जो देर इज नो क्रोमोसोमल एनोमली, द गर्ल इज हैविंग 46XX क्रोमोसोम्स, नॉर्मल ओवरीज एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ रहता है, बट शी इज नॉट हैविंग एबसेंट, मतलब शी इज नॉट हैविंग यूट्रस एंड वजाइना. सो दिस कंडीशन इज हैपनिंग बिकॉज मुलेरियन डक्ट सिस्टम डज नॉट डेवलप प्रॉपरली. दिस इज अ टाइप ऑफ कंजेनिटल एनोमली एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया. सो एज यू कैन सी इन पिक्चर, या तो जो वजाइना और यूट्रस है वो रूडिमेंट्री फॉर्म में रहता है या फिर इट इज एब्सोल्युटली एबसेंट. एंड नेक्स्ट वन मोर कॉज इज एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्लोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर प्राइमरी एमेनोरिया. नाउ लेट्स सी द एटियोलॉजी फॉर सेकेंडरी एमेनोरिया. ये भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस आएगा बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि द गर्ल और अ वुमेन हैज स्टार्टेड हर मेंस्ट्रुएशन एंड देन लेटर ऑन स्टॉप ड्यू टू सम कॉज. सो यहाँ पर यू कैन सी एंडोक्राइन कॉज है जिसमें कि जैसे कि हमने पहले देखा ऑलरेडी वैसे ही पूरे कॉजेज हो सकते हैं. लेकिन ओवेरियन कॉज में यहाँ पे प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, ओवेरियन ट्यूमर या ओवरेक्टमी और रेडिएशन ऑफ ओवरी, दिस मे बी द कॉज. देन न्यूट्रिशन सेम एज आई वी डिस्कस्ड, ड्रग्स, डिसीजेस, दीज आर द कॉजेज. देन यूट्रोवजाइनल में इंडोमेट्रियल टीबी एंड प्रेगनेंसी कैन बी द कॉज. एंड वन मोर कॉज हियर इज एशरमैन सिंड्रोम,
दिस इज अ कंडीशन जहाँ पे वुमेन के यूट्रस के अंदर में इंट्रा यूट्राइन एडिशंस होने की वजह से जो एंटीरियर और पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल है वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बनता और शेड नहीं होता है प्रॉपरली. सो दिस कैन अकर बिकॉज ऑफ पोस्ट अबॉर्शन और पोस्ट पार्टम क्यूरेटाज, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा और LSES. अगर इन सब कंडीशन में हमने प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं लिया तो इंटरनली इन्फेक्शन होके एडिशन फॉर्मेशन हो सकता है. नाउ लेट्स सी द इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई भी एमेनोरिया का पेशेंट आता है, चाहे वो प्राइमरी एमेनोरिया ही क्यों ना हो, हमको सबसे पहले UPT करना है टू एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, दैट इज यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, एंड वी हैव टू कन्फर्म कि शी इज नॉट प्रेगनेंट. देन फिजिकल एग्जामिनेशन इज डन टू नोट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑल्सो एग्जामिनेशन ऑफ वल्वा वजाइना इज डन टू लुक फॉर एनी कॉज लाइक इनपरफोरेट हाइमन. पेल्विक सोनोग्राफी इज डन टू फाइंड आउट दैट नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. देन उसके बाद में हॉर्मोनल टेस्ट लाइक सीरम FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरॉन में भी डन. देन कार्योटाइपिंग में भी डन. दिस इज डन टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एनोमली. नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू द कॉज. जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसके बाद जो भी हमें कॉज मिला है उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा. तो अगर हमने इन्वेस्टिगेशन किया एंड एवरीथिंग इज फाउंड नॉर्मल आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहले जो हमको करना है वो है टू गिव एश्योरेंस एंड एक्सप्लेन दैट एंग्जाइटी एंड डिस्टर्ब हॉर्मोनल साइकिल. एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग अनमैरिड गर्ल्स मस्ट बी एक्सप्लेन दैट मेंस्ट्रुएशन आर नेसेसरी फॉर चाइल्ड बर्थ आफ्टर मैरिज एंड एमेनोरिया डज नॉट हैव एनी इल इफेक्ट्स ऑन हर हेल्थ. सो अगर हम लड़की को अच्छे से समझाएं कि एमेनोरिया का ट्रीटमेंट बस मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ के लिए ही होना चाहिए, शी डज नॉट हैव टू वरी अबाउट इट एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी बैड इफेक्ट ऑन हर हेल्थ, देन एश्योरेंस इटसेल्फ कैन क्योर मैनी गर्ल्स. बिकॉज उनका अगर एंग्जाइटी रिलीज होता है तो कई बार एंग्जाइटी रिलीज होने की वजह से शी मे स्टार्ट गेटिंग नॉर्मल पीरियड्स. देन हर गर्ल को, हम हर वुमेन को ये स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर PHC. इफ गर्ल इज अंडर वेट, हमें उसे प्रॉपर डाइट प्रिस्क्राइब करना है ताकि वो वेट गेन कर सके. अगर वो ओबीज है तो उसे वेट रिड्यूस करने के लिए इनक्रेज करना है. अगर वो एनीमिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट, वेरी वेरी बिग और कॉज ऑफ द एमेनोरिया. सो अगर वो एनीमिक है तो उसका एनीमिया ट्रीट होना चाहिए आफ्टर प्रॉपर टाइपिंग. यानी हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि किस डेफिशिएंसी का एनीमिया है. ऐसा है कि अगर वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया और हम उसे सिर्फ आयन देते रहेंगे तो भी वो एनीमिया ट्रीट नहीं होगा. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इट इज एंड देन वी हैव टू स्टार्ट सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंगली. देन एडवाइस प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइजेस, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी हेल्थ केयर. इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटीज फाउंड ट्रीटमेंट इज अकॉर्डिंग टू कॉज. जैसे कि अभी अगर पेशेंट में यूट्राइन हाइपोप्लेजिया का डायग्नोसिस होता है, सो पेशेंट को PHC तो देना ही है, उसके साथ ही साथ पेशेंट को साइक्लिकल इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी में भी स्टार्टेड विच में ट्रीट द कंडीशन. देन इफ इट इज इम्परफोरेट हाइमन, जो मैंने आपको क्रिप्टोमेनोरिया बताया, उसमें पेशेंट हैज़ टू अंडरगो हाइमेनोटोमी अंडर ए शॉर्ट GA. एक शॉर्ट GA में पेशेंट का जो हाइमन है उसमें छोटा सा कट दिया जाता है, ओपनिंग इज मेड इन हाइमन. देन यूट्रो वजाइनल एट्रीजिया जो कंडीशन है, जिसमें कि अगर यूट्रस या वजाइना एबसेंट है तो अगर यूट्रस इज ऑल्सो एबसेंट, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ वजाइना कैन बी डन बिफोर मैरिज बट शी कैन नॉट गेट प्रेगनेंट. ओके, शी कैन नॉट गेट मेंस्ट्रुएशन बिकॉज यूट्रस इज नॉट देयर. देन टर्नर सिंड्रोम, इस्ट्रोजन डेली एट बेड टाइम फॉर ईयर्स टुगेदर में हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इसे हमें पेशेंट जब 12 ईयर्स ऑफ एज है तब स्टार्ट कर देना चाहिए, बट शी कैन नॉट गेट मेंसेस. देन इन केस ऑफ टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, देर इज नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट टिल प्यूबर्टी. उसके बाद में बायोलैटरल गोनाडेक्टमी हैज टू बी डन टू प्रिवेंट मैलिग्नेंसी, बट फर्टिलिटी एंड मेंसेस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड इन दिस केस ऑल्सो. ड्रग एमेनोरिया है, अगर किसी मेडिसिन की वजह से है तो हम, अगर पॉसिबल है तो वी शुड स्टॉप और चेंज द ड्रग.
ओके देन एनोरेक्सिया नर्वोसा टीबी सीवियर एनीमिया इन सच केसेस वी हैव टू रेफर द पेशेंट टू फिजिशियन फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. देन इन केस इट इज फाउंड दैट द वुमेन इज हैविंग हाई इस्ट्रोजेनिक वैल्यू दैट इज 4 PG/ml देन टैब मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन दैट इज अवेलेबल एज डेवरी 10 mg TDS फॉर 7 डेज इज गिवन. और उसके बाद जब हम ये मेडिसिन स्टॉप करते हैं तो शी गेट्स हर मेंसेस. उसके बाद वी हैव टू पुट हर ऑन डेवरी फ्रॉम 16th day to 25th day फॉर 6 cycles टू रेगुलराइज हर मेंस्ट्रुएशन. इफ अबोव मैनेजमेंट फेल्स देन शी कैन बी पुट ऑन कंबाइंड पिल्स लाइक माला एंड ओवरऑल एल एक्सेट्रा 1 tab डेली फॉर 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 5th day और ऐसे 6 to 12 cycles तक हम उन्हें दे सकते हैं. टैब एल्प्रैक्स 0.5 mg में बी गिवन टू कट डाउन एंगजाइटी बिकॉज एज आई सेड एंगजाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द एमेनोरिया. देन देर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज शीहान डिसीज. इट इज ट्रीटेड विज HRT हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर मेनी ईयर्स टूगेदर. शीहान सिंड्रोम इज अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स वुमेन हु लूज अ लाइफ थ्रेटनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड इन चाइल्ड बर्थ हु हैव सीवियर लो ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड बर्थ विच कैन डिप्राइव बॉडी ऑफ ऑक्सीजन लीडिंग टू डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोपिट्यूटरिज्म. सो ये एक ऐसा कंडीशन जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे अगर बहुत लो ब्लड प्रेशर होता है वो इट कैन बी बिकॉज PPH और एनी अदर रीजन तो वो टाइम पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ये कंडीशन होता है. तो अगर ऐसा ये कंडीशन है पेशेंट का तो उसको कई बहुत सालों तक हमें HRT के ऊपर रखना पड़ेगा. देन हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया इट इज ट्रीटेड विथ टैप ब्रोमोक्रिप्टिन. हाइपोथायरॉयडिज्म इज ट्रीटेड विथ टैप थायरोक्सिन. हाइपर थायरॉयडिज्म एड्रिनल कॉर्टिकल हाइपरप्लेसिया डायबिटीज पेशेंट मस्ट बी रेफर्ड टू फिजिशियन और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फॉर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. देन प्रीमेच्योर मेनोपॉज अगर दिस इज द रीजन देन अगेन वी हैव टू कीप द पेशेंट ऑन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. एशरमैन सिंड्रोम जैसे कि मैंने बताया था जिसमें कि यूट्रस के अंदर एडिशन फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे केस में पेशेंट हैज़ टू बी टेकन फॉर डायलिटेशन क्यूरेटाज अंडर GA और आफ्टर डिविजन ऑफ एडिशंस को कट करके रिमूव कर हटाने के बाद में पेशेंट को कॉपर टी डाला जाता है और उसके बाद उसे 6 cycles तक OC पिल्स दिया जाता है ताकि साइक्लिकल एंडोमेट्रियम बने और शेड हो और फिर से एडिशंस ना हो. So I hope this topic is clear to all of you. If you like this topic, please watch my this video and share it with your friends also. Thank you very much. I am very happy about from the comments which I get from my viewers. Keep sharing and watching. Bye bye all of you.